कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिले में हो रहा अवैध खनन हर हाल में बंद होना होगा। तो नीति कभी सफल नहीं होती, हिडन एजेंडा के तहत वो अपने अपने स्वार्थ और अपने अनुकूल सीट के चयन में इतने हड़बड़ी में है कि कई गड़बड़ी साफ झलक रही है। आपस में समझौता हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उम्मीदवार घोषित हर दल का होते जा रहा। मैंने अपने विभाग के अंदर कहा है कि जो 9 खनन का जिसको ऑथराइज किया गया उसके अगल बगल खनन होता है तो खनन पदाधिकारी के साथ साथ संबंधित पदाधिकारी जो इससे जुड़े हैं, जिनको मॉनिटरिंग का अधिकार है, जिनको देख रेख का अधिकार है और जिस थाना क्षेत्र से गुजरता है वो भी अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। और ये